मालवा क्षेत्र के भाजपा के आधार स्तंभ और पूर्व वन मंत्री दादा स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल के 25वां पुण्य स्मरण कार्यक्रम बुधवार को बेटमा के एक निजी गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें बेटमा नगर सहित गुरु नानक मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दादा निर्भय सिंह पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उज्जैन के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कान सिंह राठौर ने दादा को याद करते हुए कहा कि दादा निर्भय सिंह पटेल अपने जमाने के दौर नेताओं में गिने जाते थे, उनके नाम के अनुरूप निर्भय और सिंह थे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उनकी ईमानदार और बेबाक राजनीतिक जीवन शैली को याद कर दो बार रो पड़े। कार्यक्रम के उपरांत नर्मदा नगर कॉलोनी गार्डन में 51 पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर समस्त कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। उनके साथ 28 साल तक लगातार पार्टी में काम करने की वजह से जो भी अनुभव आए जीवन वही कार्यकर्ताओं के बीच में मिले थे और कार्यकर्ताओं को यही मार्गदर्शन किया गया कि हम उनके बताए मार्ग पर इनके लिए कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सक्रिय होकर के काम करेंगे तो निश्चित भी अधूरे काम हो रहे होंगे जी और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि कभी होगी जब उनके बताए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।